दोस्तों, हैदराबाद में ओवैसी की लहर। बीजेपी के 500 हिंदू कार्यकर्ता ओवैसी के हाथों एमआईएम पार्टी किया ज्वाइन। ओवैसी के सामने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता हुए पस्त। दोस्तों, हैदराबाद के अंदर ओवैसी को हराना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि पिछले 40 साल से हैदराबाद को एमआईएम पार्टी और ओवैसी परिवार अपने कब्जे में करके रखा है। पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिदे मोहतरम सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार चुनाव जीत रहे थे। उनके इंतकाल के बाद बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार 4 बार से हैदराबाद में चुनाव जीतते चले आ रहे हैं और 5वीं बार असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, बड़े से बड़े पत्रकारों ने अपने मन की बात में कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को हैदराबाद से हराना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी साहब भारी मतों से जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने 5 साल जावेद को दिया, वो उनके चलने नहीं चलने से कुछ फायदा नहीं हुआ आपको। अख्तरुल ईमान को कीजिए और कामयाब करिए, यही आपको करना है। और मास्टर मुजाहिद है, मास्टर मुजाहिद का मास्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। मास्टर मुजाहिद का मास्टर नरेंद्र मोदी है। और याद रखिए, अगर आप इनको वोट देंगे बीजेपी को फायदा होगा, अगर आप डॉक्टर जावेद को वोट देंगे तो इनको 5 साल में कहीं पर नजर नहीं आए। जब यहाँ पर कोविड हो रहा था, ये वारिस पठान है, उठ खड़े वारिस साहब, खड़े हो जाइए। ये बंबई के इन्होंने सीमांचल की सरजमीन के लोग जो मुंबई में फंसे थे कोविड में, कई ट्रेनों में रख डाल के उनको भिजाया यहाँ पर किशनगंज को। डॉक्टर साहब ने आपको नजर आए कोविड में? जब नजर नहीं आए तो 26 को भी नजर नहीं आना चाहिए आपको। और आपसे अब नरेंद्र मोदी के हम बताना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात पर खत्म करते हैं, हमारे साथ नारा लगाइए। हम आज सुबह में कुछ लिख कर लाए, हमको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि देश का प्रधानमंत्री रहकर वो कैसे 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी कह सकता है, वो कैसे कह सकता है कि हमारी माँ और बहनें ज्यादा बच्चे पैदा करें, जो झूठ है। मुस्लिम खवातीन का फर्टिलिटी रेट गिरा है, ये सब झूठ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और इन नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है कि मुसलमानों से नफरत की गारंटी, ये बात याद रख लीजिए। तो हम लिख कर लाए हैं, तो आप लोग जरा हमारे साथ बोलिए, हमारे साथ आपको बोलना पड़ेगा। सुनो मोदी, सुनो मोदी, जोर से बोलिए, सुनो मोदी, सुनो आरएसएस, सुनो आरएसएस, सुनो भाजपा, सुनो भाजपा, हम भारत के मुसलमान हैं, हम भारत के मुसलमान हैं, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम घुसपैठिया नहीं हैं, जोर से बोलिए, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम अल्लाह की मर्जी से भारतीय हैं, हम अल्लाह की मर्जी से भारतीय हैं, तुम्हारी खैरात से नहीं है, तुम्हारी खैरात से नहीं है, फिर से बोलिए, तुम्हारी खैरात से नहीं है, तुम्हारी खैरात से नहीं है, जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है, सर ऊंचा करके रहेंगे, सर ऊंचा करके रहेंगे, जब गुजर जाएंगे, जब गुजर जाएंगे, तो सीना तान कर, सीना तान कर, इस जमीन में दफन हो जाएंगे, इस जमीन में दफन हो जाएंगे। 26 तारीख को जिंदगी का सबूत देंगे नहीं देंगे? जिंदगी का सबूत देंगे नहीं देंगे?